हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मूल्यांकन कार्य पत्रक 2 गणित कक्षा 10, जो कि आपको कल प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 3 अगस्त 2021 को। और इससे पहले अगर आपने आज की असेसमेंट वर्कशीट 2 इंग्लिश नहीं कर रखा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पेस्ट है, वहाँ से आप ओपन करके देख सकते हो। और इस हफ्ते पर डे एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, और हर एक वर्कशीट के आंसर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं वन बाय वन करके इस वर्कशीट के क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ में उसका मेंशन भी अच्छे से देखेंगे, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट का आंसर जो है ई ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। हल नीचे किया गया, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 15 है ऊपरी सीमा, निम्न क्या है 5, तो 15 में से 5 जाएगा 10, ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है बी ऑप्शन राइट है, कुल मरीज की संख्या अगर हम निकालेंगे तो टोटल सब जोड़ लेंगे बॉक्स के, तो कितने आ जाएंगे हमारे 80, क्लियर है। थर्ड भी क्लियर है। आगे फोर है, फोर में 35 है। अब कैसे है, इसके लिए ध्यान से देखो, पूरा बॉक्स इधर नीचे बना लिया गया है, सॉल्यूशन नीचे देख लीजिए। तो आयु वर्षों में ये एफ आई हो गया, तो एक्स आई निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 15 5 20 20 का आधा 10, ऐसे 25 15 कितना हो जाएगा, 25 15 40 40 का आधा 20, 35 25 60 60 का आधा 30, ऐसे 35 45 को जोड़ के आधा किया गया 40, 55 45 को जोड़ के आधा किया 50, 65 और 55 को आधा किया 120, तो कितना आ गया आधा 60, क्लियर है। अब एफ एक्स का गुणा होता है एफ आई एक्स आई का, 8 को 10 से करेंगे 8 दाम 80, 10 को 2 20 से करेंगे 200, 20 को 30 से गुणा करेंगे 600, 23 को 4 से करेंगे 920, ठीक है, 14 को 5 से करें 50 से करेंगे 700, 5 को 60 से करेंगे 300, फिर ये एफ आई है, सिग्मा एफ आई जुड़ जाएगा इधर, कितना आ जाएगा 80, और ये एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई मान लेंगे, ये आएगा 2800 जोड़ने पर, ठीक है। तो औसतन का मतलब माध्य होता है, तो माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितने का टोटल जोड़ने पर 2800 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 80 रखेंगे, और 0 0 कट जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 8 3 24 4 40 8 45 35 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल है, उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल है, तो मरीजों की संख्या में सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारा 23, तो इसलिए उच्चतम जो वर्ग अंतराल बनेगा हमारा 35 से 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 से 40, तो आंसर नंबर 5 में 35 से 40 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, क्लियर है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या, आपको ये वर्कशीट में भी कर चुके हैं, मान लो ये नाप के खींचना है स्केल से, मान लो ये हमारा हो गया ए बी, ठीक है, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर रेखा हो जाएगी ए बी। इसके बाद में इसमें कह रहा है कि रूलर और प्रकार की सहायता से उसका लंब समद्विभाजक कीजिए, तो करना क्या है, प्रकार को नोक इस पे रखना, आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेना, और नोक को रखने के बाद में एक चाप ऊपर ऐसे लगाओगे, फिर एक चाप नीचे ऐसे लगाओगे, क्लियर है। इसके बाद में दूरी वही रहेगी, नोक को इस पे रखना है, फिर से एक चाप यूं लगाना है, ऐसे लगेगा, फिर ये ऐसे लगेगा, ठीक है, फिर जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेगा इसको क्या कर देना है, एक दूसरे से मिला देना, ठीक है, इसको एक दूसरे से मिला देना। तो ये ध्यान रखना, अगर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचोगे तो ये बीचों बीच में काटेगी, 3 पे मिलेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, जो ओ बिंदु होगा बीच का वो 3 निकलेगा, ध्यान रखना, पूरी रेखा कितने सेंटीमीटर की होगी 6 की, और जहाँ पर ये बीचों बीच में काटेगा एक दूसरे को, जहाँ पर ये मिलेगा जो ए बी रेखा को काटेगा, ये बीच का पॉइंट कितना निकलेगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, नाप लेना। तो पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा ए बी खींचना, फिर ए को केंद्र मानना, आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर लगाना है, फिर उसी दूरी से एक चाप नीचे लगाना, फिर नोक को उठाकर बी पर रखना, केंद्र मानना, फिर एक चाप इधर लगाना, एक चाप नीचे की साइड लगाओगे, तो जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे फिर उनको एक दूसरे से क्या कर देना, मिला देना, तो ए बी रेखा को ऊपर काटेगा, ध्यान से देखना, ए ओ और ओ बी यहाँ सेंटर में बीच में 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, इसके बाद में अगला
क्वेश्चन नंबर सेवन है। क्वेश्चन नंबर सेवन में जैसे कि आप देख रहे हो, सात त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए आंसर इसका, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आर क्या होती है हमारी त्रिज्या, क्या होती है त्रिज्या, दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 पता है, आर पे 7/7 डबल टाइम स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचा गया 22/7 का मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा कि आप पढ़ रहे हो, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण 90 है। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे हम, ये इसका आंसर है आंसर नंबर 8। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना दे रखा है 90। ठीक है, तो यहाँ हम रख देंगे 90, 360 पाई का मान, आर दे रखा है 3.5 स्क्वायर है डबल टाइम, तो देखो 0 90 से काटेंगे, 90 एकम 90 4 पे आएगा 360, 7 से काटेंगे 0.5 आ जाएगा, बचा 1/4 22 0.5 गुणे 3.5, इनका गुणा कर लेंगे फिर 4 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आंसर नंबर 8 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन की बात हो रही है, तो शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, 2 पे 2 पाई का मान 22/7, r दिया 4.2 रख दिया, फिर r पे 4.2 h है 6, आगे सॉल्व करेंगे 2/7 से काटेंगे तो 0.7642 0.6, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10.2 आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इनको गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर पे 4.2 डबल टाइम स्क्वायर है, एच पर 6, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 तो 0.6742, तो 22 0.6 4.26, इनका गुणा कर लेंगे आपस में 332.64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 9 हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना था इसका, आयतन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर नंबर 10 है, कह रहा रूलर और प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बनाना है। तो माप तो दे नहीं रखा, तो अपने अकॉर्डिंग मान लो एक रेखा खींच लेना, मान लो ये क्या हो गई ए बी, मान लो 6 सेंटीमीटर की, अपने अकॉर्डिंग खींच लेना, ए को केंद्र मानना, अपने आप कोई दूरी लेना, एक चाप ऐसे लगा देना। अब मान लो ये ई पर काट रहा है, फिर दूरी वही रहेगी, केंद्र किसको मान लेना, ई को, एक चाप यूँ लगाना, मान लो एफ पर काटा, फिर दूरी वही रहेगी, एफ को केंद्र मानना, एक चाप और आगे बढ़ा देना, मान लो ये जी हो गया। अब एफ जी का लंबार्धक करना, एफ को केंद्र मानोगे ऐसे चाप लगाओगे, फिर जी को केंद्र मानोगे ऐसे चाप लगाओगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे उसको आप मिला देना ए बिंदु से, ध्यान रखना ए बिंदु से मिला देना। तो ये कितने अंश का बनेगा बच्चों, ये तो बना 90 अंश का। ठीक है, अब क्या करना है, मान लो इसने, ये हमारा सी है, मान लो डी है ये पॉइंट, ठीक है ना, जहाँ पर काटा, डी और ई को ध्यान रखना, डी और ई की दूरी लेना या थोड़ी कम दूरी ले लेना, डी को केंद्र मानना, एक चाप ऐसे लगाना, फिर ई को केंद्र मानना, एक चाप ऐसे लगाना, ई को केंद्र मानना, एक चाप ऐसे लगाना। अब जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा उसको क्या करना, मिला देना, ठीक है ना, किससे, ए से, उसको ए से मिलाना, प्रकार से मिलाना, सही बनेगा। तो मान लो हमारा सी हो गया, तो ये सी ए बी ये जो बना, ये कितने अंश का बनेगा आपका, 45 अंश का। इतना तो कोण सी ए बी बराबर 45 अंश का बन जाएगा। और 4 नंबर का रचना के पद भी लिख लेना कि सर्वप्रथम ए बी रेखा एक खींचा, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर उसी दूरी से जो ए बी को ई पर काट रहा है, ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो एफ पर काट रहा है, फिर एफ को केंद्र मानकर एक चाप और आगे लगाया, जो जी पर काट रहा है, फिर जी एफ का लंबार्धक किया, एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं उसको ऐसे हमने क्या कर दिया, मिला दिया, फिर डी और ई का लंबार्धक किया, यानी आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, डी पर केंद्र मानकर एक बार ई पर,
जो एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं उस बिंदु को ए से मिला दिया, इस प्रकार वो सी बिंदु बना, सी को ए से मिला दिया, इस प्रकार कोण सी ए बी 45 अंश का कोण बना। क्लियर है, ये लिख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इंग्लिश असेसमेंट 2 नहीं कर रखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी उसको लिख सकते हो आंसर के साथ। और इस हफ्ते में पर डे आपकी एक वर्कशीट आएगी, ध्यान रखना। तो चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक वर्कशीट के आंसर की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।